बिल्कुल, जैसा कि इस वक्त हम मौजूद हैं सेवन शरीफ की वाटर सप्लाई स्कीम पर, जैसा कि आप मेरे अकद में देख रहे हैं कि ये जो फिल्टर प्लांट लगा हुआ है ये मुसलसल 2 माह से गैर फाल बन चुका है, और इसी तरह सेवन शरीफ के अंदर लगे हुए दीगर जो भी फिल्टर प्लांट हैं वो भी काफ़ी सालों से जो है टूट फूट का शिकार बन चुके हैं, खस्ताली का शिकार बन चुके हैं, और इनकी मेनटेनेंस के लिए भी हर हेल्थ इंतजामिया को 3 करोड़ से जायद की रकम भी दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी पब्लिक हेल्थ इंतजामिया की नाहली और करप्शन के बाइस जो है ये सेवन के लगे हुए जितने भी फिल्टर प्लांट है वो जो है गैर फाल बन चुके हैं, और यहां पर सेवन शहरियों को जो है साफ पानी के लिए सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि ये वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का अपना हल्का इंतखाब होने के बावजूद भी सेवन के जो बासी हैं वो बुनियादी सहूलतों से महरूम बन चुके हैं। तो हम आला हुकाम से और सिंध हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि पब्लिक हेल्थ इंतजामिया के नाहल अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके सेवन शरीफ के अंदर जो लगे हुए फिल्टर प्लांट हैं उनको बहाल किया जाए और सेवन के शहरियों को साफ पीने का पानी फराहम किया जाए। कैमरामैन टीम के हमराह माजिद अली कुरैशी, C110 न्यूज, सेवन शरीफ। C110 न्यूज, खबर की असल खबर।